नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 51 पेजेस का एक वर्डिक्ट दिया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में। इसमें कुछ इसमें कुछ बातें इन्होंने बोली हैं जिसके चलते अब क्या होगा, पुत्रियों को भी समान अधिकार हो जाएगा संपत्ति के अंदर, पिता की संपत्ति के अंदर पुत्रियों को भी अब समान अधिकार होगा पुत्र के जैसे जैसे होता है। अब इस चीज को समझेंगे कि क्या पहले क्या होता था, अब क्या हो गया, इन सारी चीजों को समझते हैं। अब यहां पर समझिए, थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए HSA 1956, पहले तो ये समझिए है क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें क्या होता था, इसमें यह होता था कि एक पिता उनका एक पुत्र है और उनकी पुत्री है। इसको समझाता हूं मैं आपको, एक पिता उनका एक पुत्र है, उनकी एक पुत्री है। अब सोचो पिता जो है बिना वसीयत लिखे उनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ हो गई तो संपत्ति किसके पास जाएगी, संपत्ति जाएगी पुत्र के पास, पुत्री को नहीं मिलेगा कुछ भी। क्लियर, ये किसमें बात बोली गई, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। अब ये हिंदू सक्सेशन 1956 में जब बात बोली गई, ये कब तक चली चीज, ये तब तक चली HSA 1956 से लेके ये बात चली 9 सितंबर 2005 तक। क्लियर, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहां पे लिखते हैं एकदम साफ साफ। HSA 1956 ये जब लागू हुआ ये तब तक रहा, यानी इसमें संशोधन हुआ 2005 में, 9 सितंबर 2005 में इसमें संशोधन हुआ। पहले क्या होता था इसमें, यानी 1956 से लेकर 2005 में क्या होता था, इसमें यह होता था कि अगर पिता की डेथ हो जाती है, पिता की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो संपत्ति है वो पुत्र के पास चली जाएगी, पुत्री को नहीं मिलेगा कुछ भी। ये कब तक होता था, 2005 में। 2005 के बाद क्या होने लगा कि अब जो है पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होगा पिता की संपत्ति पर, लेकिन 2005 के बाद, लेकिन 2005 के बाद। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना, 2005 से पहले हो गया लेकिन 2005 के बाद होगा। अब 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु होती है बिना वसीयत लिखे तो संपत्ति जो है वो पुत्र और पुत्री दोनों में बराबर बटेगी, इतनी चीज होगी। अब आगे चलते हैं, 2020 में आते हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट को लगा, अरे नहीं, ये थोड़ा जो डिसीजन है ना इसके अंदर थोड़ी फेरबदल करते हैं कि जो हम डेडलाइन है वो 2005 को क्यों मान रहे हैं, हम 1956 को मानते हैं, क्योंकि भाई 1956 के अंदर तो ये कानून आया था, ये एक्ट आया था, तो 1956 को मानते हैं ना डेडलाइन। तो अब क्या हुआ 2020 में, 2020 में ये बात बोली गई, अगर पिता 1956 से पहले, मतलब कि अगर पिता 1956 में, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है पिता की, तो पुत्र और पुत्री में समान संपत्ति बटेगी 1956 से ही। अब यहां पर ये डेडलाइन हटा दी गई, भाई 2005 से नहीं 1956 से चल लो, अब यहां पे 2005 से नहीं 1956 से चल लो। अब इससे क्या होता, अब इससे ये होगा कि 2005 में जिस संपत्ति को किसी पुत्र ने ले लिया था, अब पुत्री बोले कि भैया मुझे भी संपत्ति चाहिए, क्योंकि कानून आ गया 2020 में। अब कानून ने क्या कहा है कि 1956 से मुझे भी अधिकार है, तो वो वहां पर केस लड़ सकती है और जा सकती है कोर्ट के अंदर, ये कह सकती है कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो ये समझा रहा हूं इस चीज के अंदर, क्लियर यहां पे। तो ये हो गया 2020 के अंदर। अब क्या हुआ 2021 में, 2022 के अंदर, अब ऐसा क्या कर दिया भाई, अब ऐसा ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, इसने कहा है कि भाई ये जो डेडलाइन आप 1956 मान रहे हो ना, अब ये भी नहीं है, अब 1956 से पहले वाले भी, भाई 1956 से पहले वाले भी आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति के ऊपर जो है पिता की अगर बिना वसीयत लिखे डेथ हुई है तो पुत्र पुत्री दोनों में समान बटेगी। अब और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है राइट को, यानी वुमेन के राइट को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया कि भाई हां, जो महिला जो है अब उनको भी पूरा अधिकार है, वो 1956 से पहले भी संपत्ति के ऊपर अधिकार मांग सकती हैं। तो ये हुआ है। तो आप ऊपर वाली हेडलाइन पढ़िए, इनमें क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी HSA के तहत कानून के लागू होने से पहले, ये जो कानून जो लागू हुआ था उससे पहले की संपत्तियों पर भी बेटियों का समान अधिकार होगा। समझ में आया, क्या समझाया मैंने, संपत्ति पर बेटियों का भी समान अधिकार होगा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस चीज के, इस वीडियो के अंदर। अब समझो ये निर्णय क्यों आया भाई, क्या ऐसी बात पड़ गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अपने ही थॉट बना लिया क्या कि हाँ अब हमें करना चाहिए, ये संपत्ति जो है वो 1956 से पहले ही, हम इस कानून के पहले ही बेटियों में समान बटवा देते हैं, क्या एकदम बैठे बैठे उनको ख्याल आ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गया था, तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गया था, तो वहां पर क्या हुआ कि
जो 1949 में एक एक व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, बिना वो अपने पीछे अपनी एक बेटी छोड़ के गए थे, संपत्ति का विवाद शामिल है। 1949 में, ये देखिए 1949 है, लागू कब हो रहा है 1956 के अंदर। अब 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी, अपने पीछे एक बेटी छोड़ के गए, अब बेटी छोड़ के गए 1967 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक सवाल और उठता है कि सर ये 1956 से लेके 2005 में अगर पिता जो था, पिता अगर उनकी डेथ हो जाती तो पुत्र को जाती थी, पुत्री को नहीं जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर पुत्र ना हो तो क्या होता, तो पुत्र ना हो तो पिता के भाइयों में यानी पिता के पक्ष में जाती थी, मतलब संपत्ति, पुत्री को कुछ नहीं मिलता था, ऐसा समझो। तो यहां पर ही वो चीज आती है कि 1949 में पिता की मृत्यु होगी, उनकी एक बेटी थी, उनकी जो बेटी थी उनकी भी मृत्यु होगी 1967 के अंदर, 1967 के अंदर होगी। तो जमीन कहां गई, वो मतलब कि वो संपत्ति कहां गई, वो संपत्ति गई पिता के पक्ष में, पिता के पक्ष में गई वो, वहां पर यानी पिता के भाइयों को मिल गई वो, या पिता जो उनके जो भाई हैं उनके बेटे हैं उनमें वो डिवाइड हो गई वहां पे। यहां पर उनकी अब क्या हुआ, ये जो लोग हैं जो मद्रास हाई कोर्ट में, वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या था ये बात बोली थी कि भैया हमें भी जो महिला जो मृत्यु हुई उनकी बहनें जो है वो एक याचिका देती कि हमें वो संपत्ति चाहिए, हमें वो संपत्ति चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसे कैसे मिलेगा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आपने पढ़ा नहीं क्या भाई, नहीं दे सकते क्योंकि 1956 से पहले का मामला है, हम ये नहीं दे सकते। और उस वसीयत उन्होंने कोई वारिस भी नहीं बनाया था, जब लेडी जो उनकी डेथ हुई थी उन्होंने कोई वारिस भी नहीं बनाया था, तो कैसे हम दे देते। तो इसके करके क्या हुआ, फिर ये हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने भी इस उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं भैया हम भी नहीं करेंगे। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी जो बेंच था उन्होंने 51 पेज का वर्डिक्ट दिया, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि भाई नहीं, ये संपत्ति जो है ये बहनें जो मांगने आई हैं ये इक्वल बटेगी इनमें, जो बहन है उनके बच्चे जो थे वो मांगने आए थे कि भैया हमारे नाना की संपत्ति है हमें मिलनी चाहिए वो। तो यहां पर जो है वो मामला कहते हुए कि भैया ये संपत्ति है वो बच्चों में बटेगी, यानी नाना जो होगे नाते नाती होगे उनके अंदर ये बटेगी संपत्ति। तो ये चीज हुआ। अब थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं कि विरासत में बेटियों की हिस्सेदारी अब क्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो बिना वसीयत लिखे अगर उनकी मर गए हैं, अगर उनकी केवल एक ही बेटी हो तो बेटी की संपत्ति में मतलब उनका संपूर्ण ही अधिकार होगा, मतलब कि बेटी को मिलेगी ये, ना कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिलेगी। पहले क्या होता था, सदस्य को मिलती थी बेटी को नहीं मिलती थी, अब क्या हो गया, बेटी को मिलेगी किसी सदस्य को नहीं मिलेगी। हाँ, इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारी के समान शर्तों में हिंदू महिलाओं के लिए भी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी और मतलब इसको कानून को विस्तार किया था। जैसे मैंने समझाया ना 2020 में भी ये थोड़ा बहुत इसके अंदर विस्तार करते हुए क्या कहा कि हम 2005 को हम डेडलाइन क्यों मान रहे हैं, हम 1956 को डेडलाइन मान लेते हैं। तो ये 2020 के अंदर डेडलाइन मान ली गई थी। अब प्राचीन ग्रंथ देखिए, जब ये चीज फैसला हुआ ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही चीजें निर्णय नहीं लिया है, बहुत विद्वानों को बुलाया, हिंदू जो ग्रंथ है स्मृति है उनको पढ़वा कर पूछा गया, उसमें लिखा था तो उस चीज को लागू किया गया है। मिताक्षरा जिसके अकॉर्डिंग जो है एक दया भागा है एक मिताक्षरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके इनसे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है, यहीं से चीजें ली गई हैं हिंदू सक्सेशन लिखने के लिए कि भैया हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कैसा होगा, कैसी कैसी शर्तें होंगी, कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा, वो कैसे लिया गया है, मिताक्षरा कानून है, एक दया भागा है, ये दो चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्राचीन ग्रंथ जो स्मृति थे, प्रसिद्ध जो विद्वान थे उनकी टिप्पणियों, यहां तक कि न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया है जिन्होंने कई महिला उत्तराधिकारी के रूप में पत्नी और बेटी के उत्तराधिकारों को मान्यता दी है। भाई ऐसे ही नहीं बोला है, पढ़वा कर देखा है, उसमें लिखी गई है किताब ग्रंथों के अंदर बातें कि हाँ पुत्री जो है उसको समान अधिकार होता है, जो बेटी है उसको समान अधिकार होता है बेटे के समान। तो यहां पर क्या था, विरासत का, देखिए विरासत जो हमारे देश हमारे जो हिंदू समाज के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो किससे बना हुआ है, मिताक्षरा कानून से बना हुआ है, मिताक्षरा कानून से बना हुआ है, दया भागा कानून से बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी अगली थोड़ी सी देर में पढ़ाने वाला हूं, मिताक्षरा और दया भागा क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, श्यामा चरण सरकार विद्याभूषण द्वारा हिंदू कानून के एक डाइजेस्ट व्यवस्था चंद्रिका को भी देखा, जिसमें वृषति ने यह कहते हुए कहा कि भाई देखो पत्नी को उसके पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और उसकी अनुपस्थिति में एक पुत्र
के रूप में बेटी को वंश की आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर तथा उसकी अनुपस्थिति में एक पुत्र के रूप में बेटी, यानी अगर पुत्र नहीं है तो बेटी वंश को आगे बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पुस्तक में मनु द्वारा यह कहा गया कि एक आदमी का बेटा उसका उत्तराधिकारी होता है और बेटी बेटे के बराबर होती है, फिर कोई भी अन्य संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता है अगर बेटा नहीं है तो बेटी बनेगी, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें पढ़वाई गई, वहां पर लिखा हुआ था, तब चीजें हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऐड की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। ऐसे ही हवा में वर्डिक्ट नहीं दे दिया है कि यहां सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के मन में आया होगा कि हाँ ऐसे वर्डिक्ट देते, नहीं, सारी चीजें पढ़ाई जाती है। अब पुराना कानून देख लो, अब देखो जरा, एक जो पिता है उनकी डेथ होती है बिना अगर वसीयत लिखे, और उनके पास जो थी वो संपत्ति जो थी, एक पिता जो था, मानो इनके पास जो संपत्ति थी कहां से आई, भाई इनके माता पिता ने इनको संपत्ति दी होगी, वहां से आई होगी, या इन्होंने खुद अपनी मेहनत से अर्जित की होगी, तो इनके पास संपत्ति आएगी। अब इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो ये जो संपत्ति है वो किसके पास जाएगी, वो उनकी पत्नी या उनकी बेटी इनके पास जाएगी, कोई और दूसरा उसमें मतलब टांग नहीं रह सकता कि भैया ये हमारे पास आएगी, ऐसा नहीं होगा। अब समझो जरा, अब काफी सारा एक सवाल लोगों के मन में आएगा कि अगर एक पिता मैं समझाता हूं, एक पिता की जो एक ए है एक बी, ये पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है और ये पुत्री, ठीक है, पुत्री। अब पिता की डेथ हो जाती है, अब पिता की जब डेथ हो जाती है तो संपत्ति बटी दोनों में इक्वल, पुत्र में भी और पुत्री में भी। पुत्री ने कर ली शादी, शादी करने के बाद अब पुत्री का जो पति है, यहां पर पति है और पुत्री इसके जो यहां पर इसके बच्चा भी हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, ठीक है। अब यहां पर ऐसे समझो, अब क्या होता है अगर ये इनकी पति की जो डेथ हो जाती है तो संपत्ति किनके पास जाएगी, इस पुत्री यानी इनकी पत्नी के पास या इनकी बेटी के पास, ठीक है, ऐसे जाती है। अब सपोज करो, एक बार बेटी को हटा देते हैं, बेटी को एक बार गायब कर देते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं, बेटी को गायब कर देते हैं तो संपत्ति किसके पास जाएगी, पति की। अगर पति की डेथ हो जाती है तो किसके पास जाएगी, उनकी पत्नी के पास जाएगी। अब यहां पर यहां से ये संपत्ति भी आई हुई है और यहां से ये संपत्ति भी आएगी, दो संपत्ति होगी। अब बाय चांस इस पुत्री की भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, वो संपत्ति किसके पास जाएगी, वो संपत्ति क्या इनके जो पति थे उनके परिवारजनों के पास जाएगी क्या, ऐसा नहीं है। जो संपत्ति इसके पिता की तरफ से आई थी वो पिता के पक्ष में चली जाएगी, जो संपत्ति इसके पति के तरफ में की तरफ से आई थी वो पति के पक्ष में यानी इसके ससुराल वालों के पक्ष में चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि संपत्ति जो है वो एक साइड विभाजित हो जाएगी, नहीं, उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इक्वली का मतलब कि जो जहां से आई थी वो वहीं पैतृपक्ष में लौट जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो महिला की मृत्यु के बाद संपत्ति क्या होगा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर एक हिंदू महिला बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाती है, बिना भी, ध्यान रखना क्या बात बोली गई है, बिना उत्तराधिकारी अगर मर जाती है तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारी के पास जाएगी, यानी उसके भाई के पास जाएगी, जबकि उसके पति से प्राप्त संपत्ति ससुर के वारिसों के पास जाएगी। तो क्लियर यहां पे, अब ऐसा नहीं है कि हमने संपत्ति यानी पुत्री को संपत्ति दी है तो कहीं वो आगे चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत संबंधित हम चीजों को जान लेते हैं कि भारत में क्या है, भारत में महिलाओं को जो भूमि का अधिकार है क्या इसके ऊपर विवाद उठ रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए कि भारत में जो संपत्ति के बड़े पैमाने, सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती है ना भारत में संपत्ति के ऊपर होती है। अब यहां पर जो भारत में क्या होता है कि जो संपत्ति है पुरुष उत्तराधिकारी को ही हस्तांतरित होती है ज्यादातर, बदले में महिलाओं को कुछ नहीं दिया जाता। अब एक सर्वेक्षण हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि 45% महिलाएं जो हैं उनके पास है, उनके पास जमीन है, उनके पास भूमि है, लेकिन एक्चुअल में वो उनके नियंत्रण से बाहर है, नाम के लिए, लेकिन उनके नियंत्रण से वो बाहर है। फिर एक मैनचेस्टर विश्वविद्यालय 2020 में एक पेपर निकाला, उसमें कहा गया कि जो ग्रामीण जमींदारों में बड़ी मुश्किल से 16% महिलाओं के पास जमीन होगी। अब क्यों हो रहा है, देखिए, पितृसत्ता यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी जैसे कह रहे हैं कि ये काफी रीति रिवाज है जो ग्रामीण व्यवस्था में संपत्ति जिसे धन का प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष का होगा, ये ज्यादातर यही सोच चलती आ रही है, पितृसत्तात्मक इसको कहते हैं। अब
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, एक तो सेंटर का कानून हो गया, एक राज्य का कानून हो गया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि दिल्ली के अंदर भी इस कानून का विरोध हुआ। हरियाणा ने तो क्या कहा, इस एचएसए 1956 को माध्यम से जो संपत्ति महिलाओं को दी गई थी उसके ऊपर तो उसको छीनने की कोशिश की गई है, दो बार कोशिश कर ली भाई ये कोशिश उन्होंने। यूपी में तो विवाहित जो बेटियां होती हैं उनको तो प्राथमिकता ही नहीं दी जाती उत्तराधिकारी होने की, कभी ये कहां से आएंगी। तो ये चीजें अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया, लेकिन राज्य के अंदर कानून जो है वो उसके बीच में आ रहे हैं। अब जिससे क्या हो रहा है, अब एक्चुअल में जो चाह रहे हैं ना कि उत्तराधिकारी राज्यों में महिलाओं के लिए जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है, जमीन स्तर पर विरोध होता है, मतलब कि अगर कोई महिला अपने नाम की जमीन है वो, मतलब कि उनको मिली है जमीन, वो रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसका विरोध हो रहा है। तो अभी वहां पर उनका महिला का सशक्तिकरण करना, संपत्ति का अधिकार देना, ये अभी भी अनसेटिस्फाइड है, अनफिनिश्ड एक परियोजना है ऐसे कह सकते हैं हम। अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 क्या है, थोड़ा बहुत हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही कलर चेंज हो गया। अरे कहाँ हो महाशय जी, अच्छा ये रहे, अरे कलर कलर कलर, पेन पेन पेन, इंक कलर, हाँ ब्लैक कलर दो। अच्छा इसको समझते हैं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू कानून के जो कहां से लिया गया, मिताक्षरा धारा से, ध्यान रखना मिताक्षरा से लिया गया है 1956, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हिंदुओं में उत्तराधिकारी को बनाया जाता है। संपत्ति में वारिस एवं उत्तराधिकारी को इसी अधिनियम के, नहीं मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ही जो है वो इसको लिया गया है और इसको कानूनी रूप दिया गया है 1956 में। क्लियर यहां पे, ये किन किन पर लागू होता है, ये उन उन पर लागू होता है जो मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, अयहूदी नहीं है, लेकिन बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर भी ये कानून लागू होगा। ध्यान रखना किन पर लागू नहीं होगा, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, अयहूदी, इनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, बाकी पर लागू हो जाएगा ये। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर संशोधन हुआ, जैसे मैंने कहा 9 सितंबर 2005 को इसके अंदर संशोधन किया गया। उस संशोधन में यानी जो सेक्शन 6 के अंदर संशोधन करते हुए कहा कि जो पुत्री है उसको भी अब अधिकार होगा कि वो भी अगर पुत्र में अगर संपत्ति बटी नहीं हुई है तो पुत्र और पुत्री दोनों को एक समान समझा जाएगा, दोनों की देनदारियों का एक समान अधिकार होगा। क्लियर, यहां पे ये 2005 में बोला गया था। फिर 2020 में थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल कर दी गई, जिसमें डेडलाइन जो थी वो 1956 रख दी गई थी। ध्यान रखना ये चीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ा दी है। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, मिताक्षरा कानून और दयाभागा कानून क्या होते हैं। देखिए मिताक्षरा कानून जो है वो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक टीका के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है। दयाभागा की कहां से हुई है, दयाभागा पद जिमूत वाहन द्वारा लिखी समान नाम की पुस्तक से लिया गया है। यह कहां कहां चलता है मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा कानून बनारस, मिथिला, उपराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र द्रविड़ शैली में सब डिवाइडेड है ये, ठीक है यहां पर हो गया, ये बंगाल और असम में प्रभावित है। अब यहां पर क्या होता है मिताक्षरा में क्या होता है कि एक संयुक्त परिवार में पैतृक संपत्ति पुत्र की हिस्सेदारी होती है, यानी वहां पर माना जाता है कि पुत्र हुआ है तो पुत्र के नाम पे ही संपत्ति जाएगी, लेकिन दयाभागा में ऐसा नहीं होता। दयाभागा में कहा जाता है कि जब तक पिता जिंदा है तब तक पुत्र के नाम कुछ भी नहीं है, पिता की मृत्यु के बाद वो ऑटोमेटिकली पुत्र को चली जाएगी यहां पर। अब एक पिता के संपूर्ण जीवन काल में वहां पर जो कपेर्शनरी का मतलब यानी कि जो लीगल हायर होंगे वो सभी के सभी होंगे, जो सदस्य, जो उस परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यहां पर पिता के जीवन काल में पुत्र को मतलब कि लीगल हायर नहीं माना गया जब तक वो जिंदा है। अब इसमें जो कपेर्शनर्स हैं मतलब कि जो लीगल हायर्स हैं उस क्या कितना कितना शेयर होगा ये नहीं बताया गया, भैया किसके कितने हिस्से में आएगा ये नहीं बताया गया, और इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता कि भैया हाँ हम इसको खत्म करते हैं लीगल शेयर डिफाइन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर क्या है, इसके शेयर को परिभाषित तो किया गया और इसे समाप्त भी किया जा सकता है दयाभागा के अंदर। अब पत्नी इसके अंदर बंटवारा की मांग नहीं कर सकती, लेकिन अगर पति और पुत्र दोनों के बीच बंटवारा हुआ तो वो हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त कर सकती है यहां पर। तो एक चीज यहां पर क्या है, अगर महिलाओं के लिए, यहां महिलाओं के लिए समान अधिकार मौजूद है ही नहीं, अब पुत्र बंटवारे की मांग नहीं कर सकता क्योंकि पिता ही संपूर्ण मालिक होता है दयाभागा के अंदर। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है मिताक्षरा और दयाभागा, यह कानून है एचएसए 1956 में क्या हुआ है ये भी आप लोगों को पता चला है, काफी लैंडमार्क डिसीजन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो भैया दोनों को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर किसको, वीडियो को भी और चैनल को भी। हाँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा टेलीग्राम का, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।